Good evening everyone, myself is Mingda from Chiptroniks. आज मैं आपको हमारी मशीन जॉवी सिस्टम RE8500 के बारे में बताने वाला हूँ। इसे किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, इसके फंक्शंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको मशीन से इंट्रोड्यूस करा दूँ। ये आप देख रहे हैं एक्स वाई टेबल है, इस पर आप बोर्ड रख करके आईसी को रिमूव करेंगे जो कि फिक्स्ड नहीं है मशीन के साथ में। आप इस एक्स वाई टेबल को आप अलग रख सकते हैं। प्लस ये जो एरिया आप देख रहे हैं मॉडल साइड, ये हमारा लोअर हीटर, इसमें 3 हीटर्स होते हैं, पर लेफ्ट राइट साइड हीटर 1000 वॉट, सेंटर हीटर 1000 वॉट, और ये आप देख रहे हैं अपर हीटर, ये 600 वॉट। मींस ये जो टोटल मशीन है हमारी, ये है 3600 वॉट। यहाँ आप देख रहे हैं लेजर भी है, और सेंटर पॉइंट अलाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये फैन है, और किसी भी पूरी करने के लिए फैन दिया हुआ है। ये मशीन जब आप पीसीबी को आईटी को रिमूव करेंगे तब ये कूल करने के लिए यूज किया जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं डिवाइस अलग से दिया हुआ है, जिसमें आप स्क्रीन देख सकते हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं मेन्यू मैनुअल्स कर रहे हैं 1, 2, 3, इसमें प्रोफाइल मैनेजर दिया हुआ है, मैनुअल कंट्रोलिंग सिस्टम दिया हुआ है, सेटिंग्स है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे थर्मोकपलर्स भी हो, 5 थर्मोकपलर्स एट द सेम टाइम आप लगा सकते हैं, और होल बोर्ड पूरे बोर्ड में कहाँ पे कितना टेम्परेचर हो रहा है ये आप 5 थर्मोकपलर लगा करके चेक कर सकते हैं। बट आपको इस मशीन का अगर प्रॉपर यूज करना है तो आपको ये 2 थर्मोकपलर्स आर नेसेसरी, ये 2 थर्मोकपलर आपको लगाने जरूरी है, अदरवाइज मशीन की परफॉर्मेंस आपको प्रॉपर पता नहीं चलेगी। यहाँ पर कंट्रोलिंग सिस्टम जो दिया हुआ है मेन्यू में आप देख सकते हैं, फर्स्ट है प्रोफाइल मैनेजर। प्रोफाइल मैनेजर में हम एंटर करेंगे ओके बटन प्रेस करके, ओके। यहाँ पे आप प्रोफाइल ऑप्शंस देख रहे हैं, जेंडर प्रोफाइल है, प्री प्रोफाइल है। आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल डिफरेंट आईटीज की प्रोफाइल आप बना सकते हैं, जैसे आप बोर्ड में देख रहे हैं। अगर किसी स्पेसिफिक आईटी का प्रोफाइल आपको पता है तो आप इसमें प्रोफाइल बना करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये मशीन यूएसबी 2.0 के थ्रू अटैच हो जाती है, लैपटॉप और डेस्कटॉप में आप अटैच कर सकते हैं, प्लस इस मशीन को आप कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट भी कर सकते हैं। आप कंप्यूटर में हजारों प्रोफाइल स्टोर करके रख सकते हैं, बट इस मशीन में 50 प्रोफाइल्स आप स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पंप का बटन दिया हुआ है। पंप में ये आईसी कूलर है, आईसी को कूल करने के यूज में आएगा। जब आप पंप ऑन करेंगे तो ये वर्क करेगा। आईसी को रिमूव करने के लिए ये 150 ग्राम वेट को पूल कर सकता है। मैन्युअल कंट्रोल में हम आते हैं, इसके बाद हम देखेंगे मैन्युअल कंट्रोल सिस्टम। इस मशीन को मैन्युअली अगर आपको यूज करना है, आप मैन्युअल कंट्रोल सिस्टम में जाएंगे, ओके बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हीटर पावर स्टेटस आपको दिख रहा है, अभी स्टॉप, अपर हीटर, मिडिल हीटर, हाई हीटर 100%। ये आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग, आपके आईसी के अकॉर्डिंग या अपने वर्क के अकॉर्डिंग आप इन हीटर का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं टी अलार्म टेम्परेचर अलार्म दिया हुआ है, मैक्सिमम 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप मिनिमम यहाँ पर सेट कर सकते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड।
मीन किसी भी आईसी या किसी भी बोर्ड को हीट होने के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर जो चाहिए वो 400 से कम ही होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फैन स्पीड, आप इस मशीन में मैन्युअली वर्क करते वक्त आप फैन को बीच में ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड से पीसी 1, पीसी 2, पीसी 3, पीसी 4 मीन्स आपके थर्मोकपलर यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मशीन के साथ रिफ्लेक्टर्स भी अवेलेबल हैं, जो कि अपर हीटर में लगाए जाते हैं। और प्रोटेक्शन, अगर आप बोर्ड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप अगर नॉट ब्रिज निकालना चाहते हैं, इस मशीन के साथ थ्री रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे जो कि अलग अलग शेप के होंगे। आप ये रिफ्लेक्टर अकॉर्डिंग टू आईसी सेट कर सकते हैं और ये अपर हीटर में सेट होगा, इस टाइप से आप इसे लगा सकते हैं और रिफ्लेक्टर का यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको विदाउट एनी प्रोटेक्शन एक आईसी रिमूव करके दिखाऊंगा इस मशीन से किस तरह आईसी निकाली जाती है। यहाँ पर हमारे पास एक बोर्ड है जिसका हम प्रोसेसर निकालेंगे। किसी भी आईसी को रिफ्लो करने के लिए या उसे रिमूव करने के लिए फ्लक्स या लिक्विड फ्लक्स का यूज किया जाता है। हम यहाँ पर बीजीए जेल फ्लक्स यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये जेल फ्लक्स का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि ये फ्लक्स मेल्ट हो करके आईसी के अंदर जाए और सोल्डर बॉल्स को मॉइस्चर क्रिएट करे, जिससे कि आपकी सोल्डर बॉल्स जो है वो जल्दी मेल्ट हो करके और रिमूव हो जाएंगे। इसलिए हम डीजीए फ्लक्स या लिक्विड फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हम इसे बोर्ड में सेट करेंगे। बोर्ड को एक्स वाई टेबल पे लगाने से पहले हमें एक थर्मोकपलर्स लगाने होंगे। पीसी 1 जो है हमारा थर्मोकपलर टॉप में रहेगा और पीसी 2 जो है वो बॉटम साइड में। ये दो थर्मोकपलर जो है ये एक बोर्ड आपका टॉप से कितना हीट हो रहा है और बॉटम से कितना हीट हो रहा है इस चीज को सेंस करेगा। इसे हम फिक्स करते हैं। ये आप बहुत ही इजी है लगाना, आप किसी भी तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जहां पर आप लगाना चाहें, जिस तरीके से लगाना चाहें, उस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। और किसी भी में हम इसे लगाते हैं, आप चाहें तो इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। अभी हम इसे सेट कर रहे हैं। बोर्ड को इस तरह से रखेंगे कि बोर्ड बैंड ना हो किसी भी एंगल से, प्लस
बोर्ड किसी भी तरह से झुका हुआ नहीं होना चाहिए, बैंगलाइन होना चाहिए और ये सेंटर पॉइंट हमने अलाइन कर लिया है इसका। अब हम पंद्रह कपड़े लगा रहे हैं
ये फर्स्ट स्टेप हम यूज करेंगे स्टेप 60 डिग्री टेम्परेचर एटलीस्ट हम राइज करेंगे हमारे पीसीबी का बोथ साइड अपर साइड एंड लोअर साइड दोनों यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा मैं जब आप बीजीएम मशीन का काम कर रहे हो तो इसके किसी भी एंगल पर डायरेक्टली हीट नहीं एयर नहीं पड़ना चाहिए लाइक आपकी एसी की एयर इस पर डायरेक्टली नहीं पड़ना चाहिए वेंटिलेशन या कोई भी विंडो है वो डायरेक्टली इसके पास नहीं होना चाहिए या ओपन नहीं होना चाहिए सेकेंड थिंग फैन की जो एयर है वो डायरेक्टली इस मशीन पर नहीं पड़ना चाहिए अदरवाइज मशीन के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बॉटम हीट है पीसी टू इसका टेम्परेचर जो है हो चुका है हमारा 79 डिग्री और अपर हीटर जो बोर्ड का अपर साइड है वो टेम्परेचर हो चुका है 81 डिग्री सेंटीग्रेड अब हम सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट करेंगे इसका अपर हीटर को हम लेकर आएंगे हमने अपर हीटर मूव किया है अपर हीटर हम स्टार्ट करेंगे 60 डिग्री टेम्परेचर पर अब इस बोर्ड में आप देख सकते हैं अलार्म यहां पर टीसी वन टेम्परेचर इज 98 डिग्री सेंटीग्रेड टीसी टू टेम्परेचर 96 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहा है अभी आप देखेंगे पीसी वन जो भी हमने लगाया है अपर साइड टॉप साइड उसका टेम्परेचर हो चुका है 107 डिग्री पीसी टू टेम्परेचर जो है बॉटम साइड लगा हुआ है उसका आप टेम्परेचर देख सकते हैं 106 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें जो मेन आपका टेम्परेचर है वो होता है पीसी वन जो आपकी टॉप साइड में आपने जो भी थर्मोकपलर टॉप में लगाया हुआ है उसका टेम्परेचर मेन होता है क्योंकि आपका आईसी जो है सरफेस पर होता है बोर्ड के अपर साइड होता है इसलिए जो टेम्परेचर है वो मेन टेम्परेचर हमारा अप साइड का होता है एक चीज और मैं आपको बता दूं ये हमारी आईआर मशीन जो है इसके थ्रू आप किसी भी तरह के प्लास्टिक कॉम्पोनेंट जैसे कि एलवीडीएस कनेक्टर कीबोर्ड कनेक्टर बैटरी कनेक्टर और सीपीयू जैक सीपीयू सॉकेट भी आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं 145-160 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है आप देख सकते हैं हमारा जो बीजीएफ प्लग से वो स्मोक बनकर निकल रहा है यहाँ आप देख सकते हैं और ये भी आप देख सकते हैं ये बबल्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं बीजीए के टेम्परेचर आप देखेंगे 160 डिग्री हो चुका है और अलार्म इंडिकेशन स्टार्ट हो चुका है हमारा हम देखेंगे हमारी आईसी रिमूविंग पोजीशन पर पहुंची कि नहीं अभी हमारी आईसी रिमूविंग पोजीशन पर नहीं है इसे और भी छोड़ने देते हैं हम यहाँ पर आप 10 डिग्री और बढ़ा सकते हैं टेम्परेचर यहां हमारा आईसी मूव हो चुका है आप फैन ऑन करें ये हमारा आईसी चुका है सेम प्रोसेस आपको जो आपने आईसी को निकालने का प्रोसेस यूज किया है सेम प्रोसेस आपको लगाने के लिए भी यूज करना है इसके बीच में जो स्टेप्स हैं वो हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे अभी
जो हमने बताया है आपको इसे ऑपरेट करने का सिस्टम, ये आपको आईसी लगाने के लिए भी सेम सिस्टम यूज करना है, सेम स्टेप यूज करनी है और आरसी निकालते हो। थैंक यू।